नमस्कार दोस्तों, लर्निंग टास्क के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम लर्निंग टॉक्स के इस चैनल पर बात करेंगे स्ट्रोक लेंथ की। तो दोस्तों, कई हमारे दोस्तों ने हमसे कई बार ऐसा पूछा है कि सर, सेक्शन साइज को हिसाब से हम कैसे पता करेंगे कि हमको कितना स्ट्रोक सेट करना है। ठीक है, तो इसका कोई फॉर्मूला हो तो इसका एक थंब रूल है, वो थंब रूल के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो थंब रूल जो है वो हमारे फॉर्मूले के साथ में हम लोग यूज करते हुए और स्ट्रोक लेंथ हम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो टू फाइंड आउट स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ पता करने के लिए हमको जो है वो बेसिकली देखा जाए तो चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है हम लोगों को। तो चार चीज़ों में से पहली चीज़ जो है वो सेक्शन साइज है, मतलब हमको ये पता होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी यही है कि सेक्शन साइज के हिसाब से कैसे पता करेंगे कि स्ट्रोक लेंथ कितना है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो सेक्शन यूज़ करने जा रहे हैं वो सेक्शन साइज कौन सा है। दूसरा जो है वो है एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट। तो एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट जो है वो इटसेल्फ एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर अगर चाहे तो हम दो तीन या चार वीडियो जो है वो अलग अलग बना सकते हैं। तो अभी हम इसकी डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, हम इसको अभी सिर्फ इस तरीके से समझ लेंगे कि एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट जो है उसको फॉर्मूले के अंदर के से दिखाया गया है। आगे हम फॉर्मूले की भी अभी बात करेंगे। ठीक है, और के से दिखाया गया है और इसकी वैल्यू जो है वो हमने 32 कंसिडर की हुई है। ठीक है, तो आपको भी जो है वो वैल्यू 32, आप चाहो तो उसको 30 31 भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 30 से लेके 32 के बीच में आप उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब तीसरी जो चीज़ है वो है मेटलर्जिकल लेंथ। तो मेटलर्जिकल लेंथ क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, किस कस्टर की कितनी मेटलर्जिकल लेंथ हो सकती है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप चाहे तो लर्निंग टॉक्स के इस यूट्यूब का जो चैनल है, इसकी जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके मेटलर्जिकल लेंथ को सर्च कर सकते हैं। और आप सिंपली अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, ठीक है, तो भी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेटलर्जिकल लेंथ है। ठीक, और मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड हमारे जो भी हम सेक्शन चला रहे हैं उसकी मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड कितनी मतलब की हो सकती है उस पर्टिकुलर कास्टर के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ जो चार चीज़ों पे ऊपर में डिपेंड करेगा कि हमारा स्ट्रोक लेंथ हमको कितना रखना है। ठीक है, और क्या फिर कितना होता है। ठीक, अब ये किस तरीके से काम करता है, तो चलिए अब हम इसको एक फॉर्मूले से समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने पहले भी एक बार एक फॉर्मूले का डिस्कस किया है, जो फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला है डी इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब वो कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं कि सिंपल सा एक स्क्वायर रूट का साइन है और उसके अंदर में टी है ये। ठीक है, तो अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो के डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू, और टी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे एल अपॉन वी, मतलब एल भागे वी। ठीक है, जहाँ पर एल और वी क्या है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मान लो कि ये वी जो है हमको, इसमें वी जो है वो मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड है हमारी, और हमको वही निकालना है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डी इक्वल टू के रूट टी वाला जो फॉर्मूला है इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते जाएंगे, उसको और आसान बनाते जाएंगे, और फाइनली जो है हम एल वी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये सबसे, ये जो अब जो आपके सामने में जो आया है फॉर्मूला, वी इक्वल टू एल इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर का मतलब दो बार के है, और डी स्क्वायर मतलब दो बार डी है, मतलब के इंटू के है और नीचे डी इंटू डी से भाग दिया। अब यहाँ पर L क्या है ये और V क्या है ये सब देख लेते हैं। तो V जो है वो हमारा मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड है, K जो है वो एम्पेरिकल कांस्टेंट है, L जो है वो मेटलर्जिकल लेंथ है, और D जो है वो सेक्शन साइज जो भी हम यूज कर रहे हैं उसकी आधी वैल्यू है ये। ठीक है, पूरी वैल्यू आपको नहीं लेना है, आधी वैल्यू लेना है। ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए कि 100 का सेक्शन है तो D की वैल्यू आपकी हो जाएगी 50। ठीक, चलिए इसको आप एक छोटे से उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास में वी जो है वो कास्टिंग स्पीड है जो हमको निकालना है, और के जो है जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि वी 32 है। ठीक, कांस्टेंट है ये। एल जो है हमारा, मान के चलते हैं कि हमारा मेटलर्जिकल लेंथ 10.25 है। ये कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, और डी जो है वो 50 है। 50 है इसका मतलब कि हमने सेक्शन साइज क्या कंसिडर किया है, 100 का सेक्शन कंसिडर किया है, 100 का सेक्शन कंसिडर किया है। ठीक है, अब 100 का जो आधा है वो कितना होगा, 50। तो डी की वैल्यू हो गई हमारी 50। क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू हमको कितनी लेना है, जो भी आप सेक्शन यूज कर रहे हैं उसका आधा। अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे 150 का सेक्शन लेते हैं तो डी की वैल्यू हो जाती 75, 120 के लिए हो जाती 60। ठीक
है 110 के लिए हो जाती है 55, लेकिन हम 100 का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो डी की वैल्यू है 50। ठीक, अब इसको हम फॉर्मूले में लगा देते हैं। तो देखिए हमको वी तो निकालना ही है, एल हमको मालूम है, के हमको मालूम है और डी मालूम है। ठीक, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल की जगह रखा हमने 10.25 इंटू के की जगह रखा 32, फिर के की जगह रखा 32 क्योंकि के स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार के है, और उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, 50 × 50 से। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 10.25 × 32 × 32 कितना होता है, और बाद में निकाल लेंगे 50 × 50 कितना होता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर में, तो 10.25 × 32 × 32 आया हमारा 10496, मतलब 10496, और 50 × 50 आया आपका 2500। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो अब इन दोनों का हम भाग दे देंगे। तो इन दोनों का जब भाग दिया हमने, तो हमको कोई एक वैल्यू मिली छोटी सी, तो वो कितनी आई है हमारे इस केस में, 4.1984, ठीक है, मीटर पर मिनट। ठीक, तो अभी ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये है हमारी मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड, और इसी वैल्यू का हम लोग यूज करेंगे किस फॉर्मूले में, वो फॉर्मूला जो है स्ट्रोक लेंथ निकालने का, अब आपके सामने इस तरह से ये। तो आपको ये फॉलोइंग स्टेप्स जो है उसको फॉलो करना है, और आपको मैं बता दूं कि जब भी आपको स्ट्रोक लेंथ निकालना है सेक्शन साइज के यूज करते हुए, तो उसके लिए आपको कास्टिंग स्पीड तो पता होना ही चाहिए, और उसमें जो है आप देख सकते हैं कि 3.34 × मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड। ठीक है, तो ये जो भी आपकी मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड है वो कितनी आई थी, 4 पॉइंट समथिंग आई थी। ठीक, ये रहा आपका फॉर्मूला 3.34 × V, V की जगह कास्टिंग स्पीड आ जाएगी आपकी 4.1984। ठीक, तो ये आ गया आपके पास में S इक्वल टू 14.0227 mm। ठीक है, तो आपके पास का मतलब ये हुआ कि 100 के सेक्शन के लिए आप अधिकतम जो है वो कितना कास्टिंग स्पीड रख सकते हैं, 14.0, मतलब 14 mm तक आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थंब रूल है, थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। अब आगे में हम वीडियो में जब देखेंगे कि अलग अलग सेक्शन के हिसाब से कितना स्ट्रोक लेंथ होता है, मिनिमम उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है जिसमें सेक्शन साइज और मेटलर्जिकल लेंथ लिखा हुआ है। हम अभी ट्रायल बेसिस के लिए यहाँ पे मेटलर्जिकल लेंथ को जो है वो चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ सेक्शन साइज चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेक्शन साइज 100 के लिए अभी यहाँ पे पहले से डला हुआ है, तो उसके लिए जो स्ट्रोक का लेंथ आ रहा है आपका वो 14 mm के आसपास में आ रहा है। ठीक है, मिनिमम जो है वो 13 mm और मैक्सिमम जो है वो 15, मतलब 15 से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, 13 तक चल जाएगा, 12 भी रहेगा तो चल जाएगा, क्योंकि 100 और 110 में इस तरीके की लेंथ आमतौर पर चल जाती है। ठीक है, ये प्योरली थियोरिटिकल है और एक थंब रूल है। ठीक, तो ये जो कैलकुलेटर है इसकी जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसे अपने पास डाउनलोड करके इजीली एज ए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, और स्टील बिट नाम से जो हमारे एंड्रॉयड के ऊपर में एप्लीकेशन है उसमें भी हम इसे अपडेट करके रखेंगे, ताकि आप कभी भी अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि 110 अगर हम सेक्शन डालेंगे तो क्या चेंजेस होते हैं। 110 जब हम डाल रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटलर्जिकल लेंथ जो है वो सॉरी 10.25 का जब कॉम्बिनेशन लेते तो आपका स्ट्रोक लेंथ जो है वो 11.5 के आसपास में आ रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से मान लो कि हम अगर 130 के सेक्शन की अगर बात करें, तो 130 के सेक्शन के लिए आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक लेंथ जो है वो 8 के आसपास में कुछ आ रहा है, और मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यूज भी इसमें दी हुई है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप इसको इजीली वे में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छा कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा और बड़ा अच्छा भी लगा होगा। कमेंट में बताइएगा आपको ये कैसा लगा है। ठीक, और इसका जो लिंक है पूरा कैलकुलेटर का वो हम डिस्क्रिप्शन में रख देते हैं, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।